अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ इजी बिना कबाब पाउडर से बनने वाली आज घर के मसालों से चिकन फ्राई या कबाब की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए 1 किलो चिकन को धो के रख ली हूँ मैं विथ बोन वाला, आप बोनलेस भी ले सकते हो। इसी में डाल देंगे 1 टेबलस्पून विनेगर, आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला पाउडर डाली हूँ मैं। इसी में डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसी में डाल देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, इसमें 1 अंडा डाल देंगे। बिना अंडे के भी आप बना सकते हो, अंडा डालने से अंदर से जूसी सॉफ्ट रहेगा, ऊपर से क्रिस्पी रहेगा। इसी में डाल देंगे हरा धनिया, 3 से 4 कड़ी पत्ता को तोड़ कर डाल रही हूँ मैं। हाथों को अच्छे से धो के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिना पानी के। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं बिना पानी के। आप इसी में के नमक मिर्ची को टेस्ट करके डाल सकते हो। इसी में डाल देंगे 1 टीस्पून भर के तिल, वाइट तिल, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप विनेगर की जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। इसको तकरीबन 1 घंटे तक इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आपके पास टाइम नहीं है तो 20 मिनट तक इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद मिलती हूँ मैं। बिना कलर के आपको बता रही हूँ मैं, आपको कलर चाहे तो ऑरेंज रेड फूड कलर आप इस्तेमाल कीजिए। 1 घंटा हो चुका है मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था, इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए ऑयल रख ली हूँ मैं, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसी में डाल देंगे चिकन, सारे फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल चुकी हूँ मैं चिकन को। एक साइड अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम है। इसको टर्न करेंगे अच्छे से पलट के डालिए मैं, आप देख लीजिए कोटिंग खराब नहीं हो जाएगा। इस तरह मेरे तरीके से बनाएंगे ना आपका चिकन परफेक्ट बन जाएगी। दोनों सेट को अच्छे से पकने के बाद इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। हमारा ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट चिकन फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है, आप इसको कबाब भी बोल सकते हैं। इसको निकाल लेंगे, कर चुकी हूँ हमारा मज़ेदार चिकन फ्राई यानी चिकन कबाब होममेड मसालों से बनने वाली। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, उम्मीद है कि आपकी रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरे रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मुझे भी दुआओं में याद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।